कहना चाहेंगे कि रात्रि प्रहरी को भी आप अपने दृष्टिकोण से देखिए, चूंकि महंगाई के जमाना में हम लोग अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आशा लगा के बैठे हैं कि थोड़ा सा एक नज़र, हम ही लोग बच्चे हैं शिक्षा विभाग में जो रात्रि प्रहरी हैं, क्या करें, उसी में चला रहे हैं हम लोग, इसी तरह से आशा पर लटके हुए हैं, अब बढ़ जाएगा, अब हो जाएगा। पति पत्नी चैन कानीन बाल बच्चा के साथ में तो हम लोग जग के रात्रि में विद्यालय का सुरक्षा देने का काम करते हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में रात्रि प्रहरी का काम करने वाले आज बड़ी संख्या में जो प्रहरी हैं वो आज शिक्षा मंत्री से मिलने जदयू कार्यालय पहुंचे हैं। इन लोगों का कई तरह की आरोप हैं सरकार के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर, लगातार अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार ये लोग प्रदर्शन भी करते आए हैं, और सरकार के द्वारा इन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया गया है, और सरकार के विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार, उनसे मुलाकात के बाद जो रात्रि प्रहरी हैं उन्हें क्या कुछ कहा गया है, इन पर हम बात करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ स्कूल में कार्य करने वाले रात्रि प्रहरी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या हुआ, आप लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर मिलने आए थे, मंत्री जी से मिले, क्या कुछ बात? अभी हमारी बातचीत हुई है कि और वेतन संबंधित, चूँकि हम लोगों का वेतन जो है 10 से 12 महीना का बकाया था, और काफ़ी अल्प मानदेय मिलता है हम लोग को, मात्र 5,000 रुपया है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। तो हम सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहेंगे कि रात्रि प्रहरी को भी आप अपने दृष्टिकोण से देखिए, चूँकि महंगाई के जमाना में हम लोग अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाते हैं, अपने माता पिता को भी जो है से समुचित इलाज और भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो है से रात में जब लोग सुतता है पति पत्नी चैन कानीन बाल बच्चा के साथ में, तो हम लोग जग के रात्रि में विद्यालय का सुरक्षा देने का काम करते हैं, उसके एवज में हम लोग को काफ़ी असंतोषजनक मानदेय मिलता है। तो हम सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे कि हम लोगों को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया वेतन हो, और 60 वर्ष तक जो है से सेवा पुस्तिका सरकार संधारण करे, नियमित करे हम लोगों को। कितना वर्षों से आप लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं? जी, हम लोग तो 2020 में सरकार के आदेशानुसार जो विधानसभा की टीम से गठित हुई थी उसके आदेश से हम लोगों का 20 में बहाली हुई थी, और मेरे पुराने जो साथी हैं वो 2009 से ही काम कर रहे हैं, वो 1500 रुपया से पेमेंट से काम कर रहे हैं, और उसके बाद 3500 हुआ, उसके बाद 5000, उसके बाद 5000 से होने के बाद पाठक जी आए बीच में, और आउटसोर्सिंग से जो नाइट गार्ड की एक लेटर निकाल के उन्होंने बहाली करवाई, हालांकि हुआ नहीं, चला नहीं, उसका पेमेंट 11000 उन्होंने लागू किया था वहीं वाले रात्रि प्रहरी के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वाले तो मंत्री जी को हम लोगों ने ये भी बात को बोला कि सर, जो आपके अधिकारी आए थे, हालांकि पूर्व में IAS माननीय मंत्री जी भी रह चुके हैं, इनको हर चीज़ का आइडिया है, बहुत उम्मीद है हम लोगों के, आशा है। कितना संख्या बल है सर आप? हम लोगों का जो है 7000 के करीब है। कई दिनों से आप लोग लगातार पटना के गर्दनी बाग में भी आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, क्या हुआ, कुछ मांगों पर आप लोगों का विचार किया गया, कुछ आश्वासन मिला या कुछ मांगे पूरा भी हुई? मांगे तो पूरी नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, जो हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। जी, क्या कुछ कहेंगे, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, क्यों सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आशा लगा के बैठे हैं कि थोड़ा सा एक नज़र, हम ही लोग बच्चे हैं शिक्षा विभाग में जो रात्रि प्रहरी हैं, जो आपके आदेशानुसार 12 से 16 घंटा ड्यूटी करते हैं, अब पैसा मिलता है 5000 रुपया ही, वो भी 12 से 16 महीना तक के ड्यूज रहता है, हम लोग का बद से बदतर स्थिति हो चुका है, इसके लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, गर्दनी बाग में लाठी भी खाना पड़ता है हम लोगों को, उसके बाद भी कोई हम लोग का अच्छा कदम नहीं उठाया गया, हम लोग गुहार लगाते हैं कि किसी तरह हम लोग का एक नज़र डालें, थोड़ा सा हम ही लोग बचे, हम लोग का मांग पूरा कर दें। देखिए, अपनी मांग बिहार के विधायक का मान सम्मान का बात है, विधायक महोदय द्वारा ही हम लोगों को बहाल किया गया है, और हम लोग का पादीन अध्यक्ष है प्रबंधन समिति के, पूरे 243 विधायक महोदय जो है पादेन अध्यक्ष है रात्रि प्रहरी का, प्रबंधन समिति का, हम लोगों को जो है सरकार देख रही है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं, हमारे कई भाई कई सहकर्मी जो है से ऑन ड्यूटी दिन का जो है से हत्या कर दिया गया, सरकार उसका न तो कोई मुआवजा दी है, न उसके बदले उसके परिवार का किसी को नौकरी मिला है। तो ये तमाम बातों को हम सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री के आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहेंगे,
और हमें चूँकि कई बार आश्वासन भी मिला और जब भी सत्र चलता है वो चाहे शीतकालीन हो, बजट हो या मानसून सत्र, तो पूर्व शिक्षा मंत्री जो विजय कुमार चौधरी जी थे ये कहे थे कि जो नहीं रात्रि प्रहरी के समीक्षा बैठक किया जाएगा, लेकिन आज तक समीक्षा बैठक नहीं हुई है। ये काफ़ी निराशाजनक बात है। तो हम पूरे बिहार के रात्रि प्रहरी समझिए ललायत हैं कि कब हम लोगों का जो है उज्ज्वल भविष्य होगा और हम लोगों का बीवी बच्चा कब सुख चैन का नींद ले सके, शिक्षा अच्छा दे सके। सर काफ़ी जोखिम भरा कार्य है आप लोगों का, रात्रि में जाग करके सरकारी विद्यालयों की सुरक्षा प्रदान करना, कई तरह की मौसमें आती हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, फिर सांप बिच्छू का भी डर होता है, और परिवार को छोड़ करके इस तरह से आप लोग ड्यूटी निभाते हैं, क्या लग रहा है सरकार आप लोगों के साथ ऐसा दोहरा नीति क्यों अपना रही है? क्योंकि आपके ही साथी बता रहे हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिन्हें लाया जाना था उन्हें 11,000 रुपये पे लाना जाना था, जबकि आप लोग पहले से कार्यरत हैं और आप लोग को महज 5,000 रुपया मिलता है, कैसे परिवार का भरण पोषण करते हैं? कितना क्या करें, उसी में चला रहे हैं हम लोग, इसी तरह से आशा पर लटके हुए हैं, अब बढ़ जाएगा अब हो जाएगा नीतीश जी का उस पर। इसीलिए हम लोग मंत्री जी से यहाँ मिलने आए थे, कुछ आश्वासन दिए हैं कि आप लोग पर विचार होगा। देखिए लगता है कि 5,000 एक आदमी की कीमत 5,000 रुपये मापा जा रहा है, इस पर इसमें क्या होना जाना है, 5,000 पर क्या होगा, हम लोग को अपना पेट भी नहीं चलेगा, लेकिन क्या किया जाए। आशा पर हम लोग अटके हुए हैं, कहीं जो ध्यान आकृष्ट हो जाए। 2009 से काम कर रहे हैं, अब इनका उम्र है, लेकिन क्या किया जाए बताइए, हम लोग की उम्र भी ढल गया है। तो जैसा कि आपने सुना ये रात्रि प्रहरी हैं जो स्कूल की सुरक्षा में अपना रात गुजारते हैं और परिवार को छोड़ करके अलग होकर के सरकार की सरकारी स्कूल की सुरक्षा में लगे रहते हैं, लेकिन वेतन के नाम पे मात्र इन्हें 5,000 रुपया दिया जाता है। इनकी मांग है कि सरकार इनके कार्य को देखते हुए इनकी वेतन को कम से कम 20,000 रुपया कर दे, चूँकि इससे परिवार का भरण पोषण किया जा सके। लगातार अपनी मांगों को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां भी खा चुके हैं, लेकिन इनका सीधा आरोप सरकार और सरकार के मंत्री पर है कि इन्हें बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन इनको मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। लेकिन एक बार फिर से जब जेडीयू कार्यालय में शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात हुई है तो एक बार फिर से इन्हें आश्वासन मिला है और इन्हें भी उम्मीद है कि मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद अब इनका मांग जरूर पूरा होगा। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से मंत्री सुनील कुमार ने इन्हें आश्वासन दिया है तो क्या सच में अब इन आश्वासन को पूरा किया जाएगा या फिर एक बार रात्रि प्रहरी ठगे जाएंगे। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शनी उच्च, पटना।